हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज क्रूड ऑयल में कहां पे एंट्री कर सकता है। तो देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट है 3269, फर्स्ट रेजिस्टेंस 3320, सेकंड रेजिस्टेंस 3397, थर्ड रेजिस्टेंस 3448, फर्स्ट सपोर्ट 3192, सेकेंड सपोर्ट 3141, थर्ड सपोर्ट 3064। और ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल स्टिल डाउन ट्रेंड में है, और देख सकते हैं क्रूड ऑयल में लोअर लो कंटिन्यूसली लोअर लो बना के आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है। तो अब जो कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है क्रूड ऑयल, तो इसमें मतलब हमें ये डाउन ट्रेंड क्लियरली मिला हुआ है। तो लेकिन डाउन ट्रेंड में जब रहता है तो मार्केट सेल लेना ज़्यादा चाहिए रहता है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पे है। तो इसलिए मैंने एक वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन निकाल दिया यहाँ पे। जैसे आप वीकली देख सकते हैं ये टेस्टेड पॉइंट है, ये ज़्यादा सा टेस्ट किया हुआ है तो ब्रेकआउट करने के लिए एटलीस्ट 5 टेस्ट एरिया है यहाँ पे, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब बनाता है तो मार्केट यहाँ से फ्यूचर रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए ये एरिया में सेल लेना ज़्यादा सही नहीं रहता। तो इसलिए लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड है, सेल में ही जाना चाहिए, लेकिन ये एरिया में सेल में हमें नहीं जाना है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए, जैसे 15 मिनट में देखे तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, आप थोड़ा देख सकते हैं ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। तो करके मुझे लगता है यहाँ से फिर से नीचे आने का चांसेस है, तो इसलिए सेल लेना ही इसका नीचे, जो आपको लोअर पॉइंट मिला हुआ है, ये लोअर पॉइंट का नीचे में आपको सेल जाना चाहिए रहेगा। तो अगर यहाँ पे सेल लिया तो उसका ऊपर थोड़ा बहुत आप एसएल लगा सकता है और टारगेट 1:2 रेशियो में आप ले सकता है, राइट। सो ये हो गया आज का क्रूड ऑयल ट्रेडिंग का। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।